आज हम हैदराबादी अपोलो फिश बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अपोलो फिश बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पतला कर लेंगे इसको। मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाला है और पूरे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 नींबू डालेंगे। आधी ग्लास पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस मछली ली है, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसके ऊपर मसाला लगा देंगे। मछली के पीसेस को इसमें डालेंगे। अब 1/2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फिश मैरिनेट होकर तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम इसको एयर फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर का पैन ले लिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अब हम इसके बाद एक के बाद एक फिश के पीसेस रखते जाएंगे इस पर। मैंने मछली के पीसेस को एयर फ्रायर के पैन में अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। अब ये ट्रे को एयर फ्रायर के अंदर रख देंगे। एयर फ्रायर को ऑन करेंगे, फिश का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम टेम्परेचर सेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 मिनट के लिए रखा है और 320 पे स्टार्ट करेंगे इसको। आठ मिनट के बाद ये फिश अच्छी तरह से एक साइड डन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल देंगे और इसको टर्न करके दूसरी साइड फिर 8 मिनट के लिए रख देंगे।
अब इस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे हम। वापस फिर हम इसको एयर फ्रायर में रख देंगे और फिर 8 मिनट के लिए ऑन कर देंगे। 320 पे 8 मिनट्स के लिए हम फिर से ऑन कर देंगे एयर फ्रायर को। ये हमारी मछली अच्छी फुली कुक हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। फिश के पीसेस को मैंने अच्छी तरह से एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया है, अब हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। और एक मीडियम साइज के बड़े कटे हुए प्याज, अब हम इसमें चॉप की हुई गार्लिक डालेंगे। एक बड़े साइज की कटी हुई कैप्सिकम डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से लगेगा। अब हम इसमें एयर फ्राई की हुई फिश डालेंगे। अब हम इसको 5 मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करके रेडी टू सर्व होंगे। आज हम बनाएंगे अपोलो फिश जो हम एयर फ्रायर में बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब। ये हमारी हैदराबादी अपोलो फिश फ्राई रेडी हो चुकी है और ये रेडी टू ईट है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ये हमारी मज़ेदार सी हैदराबादी अपोलो फिश फ्राई रेडी हो चुकी है और ये रेडी टू ईट है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।